नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप भाटिया, चार्ट अकाउंटेंट, हाजिर हूँ आपके सामने इनकम टैक्स से रिलेटेड एक छोटा सा डिस्कशन लेकर रिगार्डिंग टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग ITR अंडर सेक्शन 139 इन सर्टेन स्पेशल केसेस। एक्चुअली इशू क्या है सर कि इन दिनों क्योंकि लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न चली रही है, 31 अगस्त आने वाली है और अब अगली डेट 30 सितंबर आ जाएगी ऑडिट के केसेस में, तो कुछ केसेस में मुझे ऐसा लगा कि कन्फ्यूज़न चल रहा है कि रिटर्न भरने की लास्ट डेट क्या है। तो आई थॉट कि मैं उसके ऊपर जो भी मुझे उपयुक्त लगता है वो विचार यहाँ पर रखता हूँ। देखिए क्या है सर, एक तो ऐसी ट्रस्टों की और सोसाइटीज़ इनकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न पर एक क्वेरी है कि ट्रस्ट और सोसाइटीज़ की ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न क्या होगी। तो अगर कोई ट्रस्ट सर सेक्शन 11-12 में रजिस्टर्ड है, यानी 12AA में रजिस्टर्ड है और सेक्शन 11-12 के लिए एलिजिबल है, और ऐसी परिस्थिति में ट्रस्ट की इनकम बिना सेक्शन 11 और 12 का एग्जम्पशन दिए, बिना सेक्शन 11 और 12 का एग्जम्पशन दिए, अबव एग्जम्पशन लिमिट है, तो ऐसे ट्रस्ट के लिए ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न सर 30 सितंबर होगी। 31 अगस्त तक रिटर्न भरना उनके लिए अनिवार्य नहीं है। लेकिन बहुत से ट्रस्ट ऐसे हैं सर जो रजिस्टर्ड नहीं है। अब यदि कोई ट्रस्ट सर रजिस्टर्ड नहीं है, किधर रजिस्टर्ड नहीं है, इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसी ही सर कुछ सोसाइटीज़ भी हैं जो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है सेक्शन 12A के अंदर, तो इस तरह की संस्थाओं के लिए सर मेरी ओपिनियन में लास्ट डेट 31 अगस्त ही रहने वाली है। यानी बाय डिफॉल्ट तो 31 जुलाई होगी, लेकिन इस साल क्योंकि डेट बढ़ करके 31 अगस्त कर दी गई है, तो 31 अगस्त तक ऐसी संस्थाओं को अपनी रिटर्न भर देनी चाहिए। अन्यथा फिर सेक्शन 234F खड़ा है, उसके अंदर हो सकता है किसी प्रकार से कोई फीस लगने की संभावना रहे। इसके बाद में सर मैं बात करता हूँ पार्टनरशिप फर्म्स की कि क्या पार्टनरशिप फर्म उसके लिए कोई रिटर्न भरने की लास्ट डेट 31 अगस्त रहेगी करंट असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए, या दैट विल बी 30 सितंबर। नेचुरली दैट वुड डिपेंड ऑन टैक्स ऑडिट है या नहीं है। यदि टैक्स ऑडिट है, यानी 2 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है 44AD के केसेस में, नॉन 44AD केसेस में 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है और टैक्स ऑडिट लगेगी, तब तो सर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न 30 सितंबर हो गई, नहीं तो सर फिर ड्यू डेट इस ईयर असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए 31 अगस्त रहने वाली है। अब मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म 44AD या 44ADA से लोअर प्रॉफिट ऑफर करती है, तो क्या ऐसी परिस्थिति में उसकी ड्यू डेट 30 सितंबर जानी चाहिए। मेरी ओपिनियन में सर क्योंकि टैक्स ऑडिट करानी होगी टू ऑफर द लोअर इनकम, देयरफॉर ऐसी परिस्थिति में 30 सितंबर ड्यू डेट ली जा सकती है। अब एक LLP के बारे में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि LLP एक्ट 2008 के अनुसार एक LLP को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट ऑडिट करानी है, तो ऐसी LLP के केस में लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न 30 सितंबर होगी, अन्यथा सर इट विल बी ट्रीटेड टू बी दैट ऑफ 31st of August फॉर द असेसमेंट ईयर 2018-2019। तो एक जो इम्पोर्टेंट बाइफर्केशन हमें समझना चाहिए वो क्या सर, यदि कोई भी संस्था जो चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो, कंपनी हो, यदि वो किसी लॉ के अंतर्गत ऑडिट कराने के लिए लाइबल है, चाहे इनकम टैक्स लॉ या कोई और लॉ लाइक कंपनीज एक्ट 2013, तो ऐसी परिस्थिति में तो ड्यू डेट हमें 30 सितंबर मिलेगी, अन्यथा सर हमारी ड्यू डेट अभी के लिए असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए 31 अगस्त कायम रहेगी। अब मैंने पार्टनर्स के लिए जैसा डिस्कशन किया कि यदि कोई पार्टनर किसी ऐसी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है जिसमें कि टैक्स ऑडिट चाहिए, या LLP का पार्टनर है जिसमें कि ऑडिट चाहिए, तो ऐसी परिस्थिति में तो उस वर्किंग पार्टनर के लिए वर्किंग पार्टनर होना चाहिए, लास्ट डेट 30 सितंबर है, लेकिन नॉन वर्किंग पार्टनर या अन्य सभी पार्टनरशिप फर्म्स के पार्टनर्स के लिए ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न 31 अगस्त ही रहने वाली है। अब एक और कैटेगरी सर जो मेरे दिमाग में आ रही है वो है किसी कंपनी का डायरेक्टर। यदि मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर हूँ तो मेरी फाइलिंग ड्यू डेट जो है वो 31 अगस्त रहेगी असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए या 30 सितंबर, तो अनफॉर्चुनेटली सर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में जहां एक एक्सप्लेनेशन 2 में ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न डिस्कस की गई, वहां डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी के लिए एक्सटेंडेड ड्यू डेट यानी 30 सितंबर नहीं प्रोवाइड की गई है, तो ऐसी परिस्थिति में उनके लिए भी सर ड्यू डेट 31 अगस्त ही रहेगी असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए। तो सर ये ड्यू डेट का खेल इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया असेसमेंट ईयर 18-19 में क्योंकि 234F
कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करने वाला है। सो आई थॉट इस पर जो मेरे जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो आपके सामने लेकर के आऊँ। यदि आपकी कोई क्वेरी होगी तो आई विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। थैंक यू वेरी मच।